अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी, मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, पीएम शहबाज शरीफ अटेंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट इन रियाज, सऊदी अरेबिया। आइए मिलकर देखते हैं जी मेजरली राइट का वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। शहबाज शरीफ पहुंच गए अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर रियाद, सऊदी अरेबिया। ये क्यों पहुंचे रियाद? 8th एडिशन ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, यानी कि ये गए हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए। दोस्तों, बड़ी लंबी लंबी बातें हुई हैं। आप जानते हैं पहले कि $10 अरब सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि अचानक पाकिस्तान के अंदर तेल के कुएं पाए गए। अचानक पाकिस्तान के अंदर 200 से लेकर $250 अरब के कोयला, उसकी खाने, उसकी खदानें पाई गई पाकिस्तान में। अचानक पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें पाई गई। यह किसी को नहीं पता है, यह सिर्फ पाकिस्तानियों को पता है। इसके पहले $2 अरब के MOU साइन करे सऊदी अरब और पाकिस्तान ने, और बोला इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज तक अपनी कौम को यह नहीं बताया दोस्तों कि यह MOU हैं किस चीज के, क्या यह कॉन्ट्रैक्ट में यह तब्दील होंगे, इससे पाकिस्तानियों की जिंदगी कैसे आसान होगी। अभी अभी इन लोगों ने $8 अरब IMF से मांगे, और ये जो सऊदी अरब गए हैं दोस्तों, ये भी पैसा मांगने के लिए गए हैं। अब चक्कर ही होता है ना कि आप कब तक आप मांगेंगे। बिल्कुल कि साहब अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे दे दे बाबा, तो आपको सामने एंटरटेनमेंट करनी पड़ेगी, आपको सामने नाच गाना करना पड़ेगा, आपको सामने अलग अलग तरीके से पैसा मांगना पड़ेगा। और यही नाच गाना, यही एंटरटेनमेंट करने के लिए शहबाज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ गए हैं सऊदी अरब शेखों से पैसा मांगने के लिए, और वहां पे उनकी मीटिंग होगी मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया से। हबीबी, ये तुम गरीब पाकिस्तानियों के लिए ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, इसमें $70 मिलियन एग्रीकल्चरल सेक्टर में सऊदी की इन्वेस्टमेंट का भी एक MOU है, $70 मिलियन। आज मैं आपको बता दूं यह MOU क्या है, यह भी साइन नहीं हुआ है, मतलब MOU है, अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। लेकिन आज मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता देता हूं, ये वीडियो सेव कर लेना, ये कुछ नहीं है भाई, सऊदी आएंगे जमीन खरीदेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में देयर इज नथिंग कॉल्ड एग्रीकल्चर, ये झूठ बोलते हैं एक दूसरे से। सऊदी आएंगे, $70 मिलियन देंगे, इनकी जमीनें ले जाएंगे, इन्होंने अपने एयरपोर्ट गिरवी रखवा दिए, इन्होंने अपने मोटरवेज गिरवी रखवा दिए, ये अपनी जमीनें भी गिरवी रखवाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? स्पीकर ऑफ द रशियन फेडरेशन काउंसिल वैलेंटिना मैथ्वियंको, इनसे मिले आसिफ अली जरदारी, राष्ट्रपति पाकिस्तान। गुहार क्या लगाई कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनना है। दोस्तों, बड़ी ये अजीब सी बात है यार, ये बड़ी अजीब सी बात है। पाकिस्तान कहता है कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनना है, और उसका ये कहना है कि भारत ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी है, भारत ने एक बहुत बड़ा हिंदुओं और यहूदियों ने एक गेम कर दिया। वरना पाकिस्तान जैसे अजीम मुल्क को कौन मना कर सकता है यार, कोई मना कर सकता है? किसी का औकात है, वो तो साजिश हो गई, साजिश के चलते पाकिस्तान रुक गया, वरना पाकिस्तान भी ब्रिक्स का मेंबर होता। पाकिस्तान के घाव जो है ना, ये ब्रिक्स वाला घाव है, इसके अंदर नमक छिड़का है किसने? अब दोस्तों, सऊदी अरब, ईरान, एथियोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, अर्जेंटीना, इनमें से किसी के पास न्यूक्लियर बम तो है नहीं, ईरान के पास भी कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर बन गए। पाकिस्तान तिलमिला गया, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि पाकिस्तान जो कि उम्मा का चुम्मा है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कलमा पढ़ के बना है, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें जज्बे वाली कौम रहती है, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, आलम इस्लाम का किला है यार पाकिस्तान, हल्का समझते हो तुम लोग? यहां पे दो दो कौड़ी की अर्जेंटीना और ईरान को तुम बना रहे हो, तुम पाकिस्तान को नहीं बना रहे, ये तो साजिश है। अब यह साजिश हो गई,
तो पाकिस्तानी गए हैं, इनका राष्ट्रपति गया है भीख मांगने रशिया से कि यार किसी तरीके से हमें ब्रिक्स में शामिल कर लो यार। अच्छा दोस्तों, फनी बात यह है, मजाकिया बात यह है कि जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स इज फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज, वो भिखारियों का कोलेशन नहीं है, वो उन इकोनॉमीज का। ये ब्रिक्स बेसिकली गोल्डमैन सैक्स के जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने टर्म कॉइन करा था ब्रिक्स कुछ समय पहले, और उन्होंने बोला था ये जो कंट्रीज हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, शुरू में ये चार ही थे, BRIC ब्रिक था ये, बाद में साउथ अफ्रीका आ गया तो ब्रिक्स हो गया ये। ये जो चार पांच देश हैं, पांच देश मिला के आप समझ लीजिए, ये दुनिया को लीड करेंगे, ये इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से, रफ्तार से ये इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं और ये दुनिया को लीड करेंगे, इनका नाम है ब्रिक्स। ये उन्होंने टर्म कॉइन करा। अब पाकिस्तानी किस एंगल से, मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, इसमें पाकिस्तानी भाई बहन भी देख रहे होंगे, पाकिस्तानी भाई बहन ये बताएं आप लोग किस एंगल से एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, डिफॉल्ट के दहाने पे आप खड़े हैं। जब आपका राष्ट्रपति रशिया में कहता है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ हमें उस टेबल पर बैठाओ, वहां पर आपका प्रधानमंत्री जाके मोहम्मद बिन सलमान के सामने भीख मांग रहा है, वो नाच गाना कर रहा है, वो अलग अलग डांस के स्टेप्स कर रहा है, वो कह रहा है ऐसे नहीं तो ऐसे दे दो, वो कह रहा है कुछ तो दो। और दोस्तों यहां पे पाकिस्तान की मुनाफकत सामने आती है। पाकिस्तान हर समय, देखिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या क्या बातें होती है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं ये, और पहली बार नहीं बोल रहा, हजारों बार पहले बोल चुका हूं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या बातें होती हैं कि फिलिस्तीन के लिए हमारा दिल धड़कता है, फिलिस्तीन के लिए हमारा दिल धड़कता है, कश्मीर के लिए हमारा दिल धड़कता है, हम परेशान हैं, हमारे मुसलमान भाइयों को यहूदी मार रहे हैं, हमें दुख है, हमें गम है, हमें गुस्सा है, हम कुछ करेंगे। और वो गम और गुस्सा कैसे निकलता है कि इनकी सारी उम्मीदें ईरान से, इसीलिए पाकिस्तानी एंकर टेलीविजन पे जाके झूठ बोलते रहते हैं कि अगर इस बार इसराइल ने हमला करा तो इसराइल नस्ते नबूत हो जाएगा, ईरान उसको छोड़ेगा, ये सारे के सारे लाहौरी बैठ के झूठ बोलते हैं लाहौर में, ऑल ऑफ देम टू द लास्ट पर्सन, थरो ब्रेड लायर्स। ये कुछ अपना गेम घुमाते रहते हैं कि इसराइल ने ये कर दिया, इसराइल ने ये कर दिया, ठीक है, और वहां पे ईरान है कि ईरान सिर्फ बटन दबा के मिसाइल मार रहा और कुछ नहीं कर रहा। तो आज पाकिस्तानी भाइयों बहनों एक सवाल है, ज्योग्राफी का एक सवाल है, इस्लामाबाद से रियाद कितनी दूर है, इस्लामाबाद से मॉस्को कितनी दूर है, इस्लामाबाद से अबू धाबी कितनी दूर है, इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क कितनी दूर है, इस्लामाबाद से लंदन कितनी दूर है, इस्लामाबाद से बीजिंग कितनी दूर है, इस्लामाबाद से अंकारा कितनी दूर है, इस्लामाबाद से टोरंटो कितनी दूर है। देखिए आपने देख लिया कितनी दूर है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इस तरफ उस तरफ, चाहे मॉस्को हो बीजिंग हो। अब पाकिस्तानियों एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, इस्लामाबाद से गजा कितनी दूर है, सोचिए कितनी दूर है गजा इस्लामाबाद से। आपके हुक्मरान दुनिया की हर एक कैपिटल सिटी में पहुंच जाते हैं कटोरा लेके, आपके हुक्मरान, आपका आर्मी चीफ, दुनिया की कोई ऐसी अमीर देश नहीं है जहां पे ना पहुंचा हो कटोरा लेके भीख मांगने के लिए। और ये आपके जिहाद का आलम है पाकिस्तानियों, कि दुनिया में हर जगह जहां पैसा है वहां पहुंच जाते हो, अभी तक गजा नहीं पहुंच पाए। तो शेमोनियो, तुम लोग वो कौम हो जिसने इस्लाम को एक ATM मशीन बना रखा है और कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए इस्लाम कुछ नहीं है, एक ऐसी ATM मशीन है जो तुम्हें लगातार लगातार पैसे देती है, कभी मजहब के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे, कभी सिक्योरिटी स्टेट के नाम पे, बस भुनाते रहो। गजा नहीं पहुंच पाए तुम लोग, अभी डंकी मार के गजा पहुंच जाते। अच्छा इंटरव्यू आते हैं बड़े बड़े पाकिस्तानी टेलीविजन पे, बड़े बड़े इंटरव्यू आते हैं, यूट्यूबर लेते हैं इनके इंटरव्यू, लोगों के मुंह के अंदर माइक डाल देते हैं लोग, क्या बोलते हैं इनके इंटरव्यूअर्स, आप बताइए क्या आप गजा जाएंगे, गजा जाना पसंद करेंगे, जिहाद लड़ना पसंद करेंगे? इंशाल्लाह हम जिहाद लड़ेंगे, अगर सिर्फ हमारी गवर्नमेंट हमें एक बार इजाजत दे दे। इजाजत दे दे जिहाद लड़ने के लिए, इजाजत दे दे तुम्हारी गवर्नमेंट,
तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें इजाजत देती है जब तुम डंकी मार के लंदन जाते हो, डंकी मार के कनाडा पहुंच जाते हो, डंकी मार के फ्रांस पहुंच जाते हो, डंकी मार के ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हो, तब तुम्हारी सरकार तुम्हें इजाजत देती है, तुम्हें फैसिलिटेट करती है। जब तुम डंकी मार के ये गोरे देश पहुंच सकते हो, वेस्टर्न कंट्रीज पहुंच सकते हो बिना सरकार की इजाजत से, तुम्हारी सरकार इजाजत देती है। जब तुम मक्का जाते हो भीख मांगने के लिए और वीजा पे कहते हो कि हमें उमरे के लिए जाना है, हमें हज के लिए जाना है, वो सरकार की इजाजत से जाते हो भीख मांगने के लिए। तुम्हारा जिहाद सिर्फ सोशल मीडिया पे। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का, और बात कर रहे थे पाकिस्तान ने अटेंड किया है सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट समिट और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट, और वहाँ पर भी पैसों के लिए गुहार लगाई है, लेकिन अब की बार जहाँ पैसे मांगने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ है। देखें, पाकिस्तान और पाकिस्तान में आने वाली ये जो नई हुकूमत है और पाकिस्तान में होने वाले जो काम हैं उनमें बेहतरी तो आ रही है। अब ये कहना बिल्कुल गलत है कि हर वक्त हर जगह सिर्फ यही बात है कि हमारी हेल्प कर दो, हमारी मदद कर दो। अब देखें, कोई भी देश है अगर अपने देश में इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है तो बातचीत तो करेगा, डेलीगेशन तो जाएगा, जाके बात करेगा। अब कोई इदारा भी है जब उसने अपने बिजनेस लेकर आना है, अपने मिल के लिए, फैक्ट्री के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो भी तो कहीं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा, वहाँ समिट अटेंड करेगा, बातचीत करेगा, अपने प्रोडक्ट दिखाएगा और उस पर लोगों को एग्री करेगा कि आप आइए और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए या हमारी प्रोडक्ट खरीदिए। अब अगले की मर्ज़ी है वो प्रोडक्ट खरीदे, ये वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। अब रियाज और सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वो चाहते भी हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। पाकिस्तान में जो रहने वाली हुकूमतें हैं उनके ताल्लुकात जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कैसे हैं और किस तरह से इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते, क्या करना चाहते हैं। तो पहली बार जो इस वक्त ऑप्शंस कोई नहीं है पाकिस्तानियों के पास, और पाकिस्तानी सीरियसली कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बिज़नेस आ जाए। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, 70% आबादी जो ज़राअत पर ही मुनहसर है, लेकिन कोई ख़ास इतना तीर मार नहीं सके आज तक, लेकिन अब के लिए कोशिशें करी जा रही हैं कि उसको किस हद तक हम बेहतर बना सकें। आखिर एक टाइम तो आता ही है इंसान कोशिश करता है, और अभी के लिए ये कोशिश करी जा रही है कि ज़राअत के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाई जाए। और सऊदी अरबिया और कतर के जो ममालिक हैं वो ख्वाहिशमंद हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के, और यही खबरें आ रही हैं कि उन्होंने इस चीज़ को एग्री भी कर लिया है। अब ये जब खबर आती है, अब मेजर साहब तो कहते हैं कि ये मेरा लिख कर रख रहे हैं, कभी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो ऐसा कहीं भी नहीं होता, वो पत्थर पे लकीर वाली बात नहीं होती, हो आ भी सकती है इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों की दिलचस्पी जाहिर करी है। आ जाए ना आए ये फ्यूचर की बात है, हो सकता है कि ना भी आए, हो सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट आ भी जाए, और ये पाकिस्तानियों के लिए तो खुशायन चीज़ होगी कि अगर इन्वेस्टमेंट आती है ज़राअत के सेक्टर में, यहाँ पे उसकी बेहतरी के लिए काम करा जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये लिख के रख रहे हैं जी ये ऐसा ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अब ये बिज़नेस मांग रहे हैं तो उसके अंडर भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी हेल्प कर दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान प्योरली चाहता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, और उसके लिए वो काम कर भी रहा है। बिल्कुल ऐसी है, देखेंगे वो जैसे बात होती है कि डूबते को तिनके का सहारा। अब जो हुकूमत बैठी है ये अच्छे की उम्मीद है हमें, जो काम वो कर रही है वो अच्छे के लिए कर रही है, कुछ बेहतरी भी आई है। हालात जो है वो काफ़ी सारे जो है महंगाई के तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे जो है हालात नॉर्मल हुए हैं, और बेहतरी की आगे उम्मीद है कि हुकूमत जो है कुछ ना कुछ बेहतर जो है वो करेगी, आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ। बिल्कुल जी, और मेजर साहब ने प्रेडिक्ट किया था कि ये जो डॉलर है ये 400, 450, 440, और एक दो और बंदों ने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि ये हुकूमत कुछ देर बाद ही यहाँ तक हमें नजर आएगा। और पाकिस्तानी भी जो साबिक माहिर खजाना है वो मुजम्मल साहब है शायद उनका भी नाम, खारजा अमूर के जो पीटीआई के थे, उन्होंने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि ये हुकूमत नहीं चल पाएगी, ये ज़बरदस्ती डॉलर को एक माह कर लेंगे, दो माह कर लेंगे, तीन माह कर लेंगे, लेकिन ये डॉलर की एक्चुअल जो प्राइस है वो ये 400, 350 से ऊपर ले जाएंगे, लेकिन अभी तक भी डॉलर की कीमत एक दो रुपये भी ऊपर नहीं हुई,
ऊपर में ही गई, नीचे ज़रूर आई है और अभी भी डॉलर वहाँ पे स्टेबल है। और ये किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी के लिए कि वो अपनी इकोनॉमी को एक कम से कम एक स्टेबल पोजीशन पर रखे, उसमें जो काम करने वाले ताजर हैं वो उस बात पर कम से कम अपनी परेशानी का इजहार ना करें। हमें पता हो कि हमने जो काम करना है, हमने जो सौदा बेचना है, हमने इस रेट पर बेचना है। सबका हुकूमत में क्या होता था कि आज अगर किसी ने एग्रीमेंट करा है 275 रुपये डॉलर की प्राइस है, और जब वो शिपमेंट देने के टाइम आता था उस वक्त डॉलर की एक्चुअल प्राइस 10-20 रुपये बढ़ चुकी होती थी, और बजाय उसके के फ़ायदा हो उल्टा नुकसान हो चुका होता था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट डिले होती रही, रुकती रही, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती रही। लेकिन अभी के लिए ये डॉलर की जो प्राइसिंग है आप चेक भी कर सकते हैं, 275, 78 और 80 के अंडर ही चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे, यही एक कह लो कि अच्छी बात होती है, खुशाइन बात होती है किसी हुकूमत की जो इकतदार में बैठे हुए हैं कि वो अपने मुल्की हालात को जो है वो स्टेबल रखें, वो इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल में रखें। तो भाई वो गए रियाल में, सऊदीया गए, खुशाइन बात है हमारे लिए, अच्छी बात है, कोई पॉजिटिव साइन जो है हमें नज़र आ रहा है। कि पहले तो हम तो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुके थे कि कौन सी हुकूमत आके बैठेगी, कौन सी हुकूमत जो है वो इस मुल्क को चलाएगी, क्या जो भी हुकूमत आती है वो अपने जो है वो पासा जो है वो भरती है। लेकिन ये हुकूमत जो है इस दफ़ा कुछ ना कुछ जो है वो काम जो है वो पॉजिटिव कर रही है, जो हमें नज़र आ रहे हैं कि फ्यूचर में जो है हमारे कुछ हालात बेहतर और ज़्यादा मजीद बेहतर होंगे और हमारा मुल्क भी कुछ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल जी, जब इकदाम किए जाते हैं तो उसका जो फिर आगे नज़र भी आता है इंसान को। तो चीज़ें यही हैं मेजर साहब, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जब एक्सपोर्ट जो थी वो 35-37 अरब डॉलर पर थी तो डॉलर एक जगह पर टिकता नहीं था, और आज हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 17-18 अरब डॉलर पर है, और आज देख लीजिए कि डॉलर जो है ना वो स्टेबल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कि हमारी कमाई बड़ी नहीं है, लेकिन चीज़ें अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ना करना चाहें, किसी के ऊपर मलबा गिराना चाहें तो वो भी हमारे बहुत अच्छे से आता है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में आप कुछ भी कह सकते हैं कि हो सकता है, अगर हम करना चाहें तो वो एक हमारे पास तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है, हर चीज़ है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो हमारी अगर एक्सपोर्ट कम भी होती है फिर भी हमारा डॉलर जो है ना वो स्टेबल हो जाता है। तो दुनिया में अगर जो है ना वो अपनी इम्पोर्ट जो है ना वो कम करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, और आज हमारी जो है ना इम्पोर्ट बढ़ी भी है और एक्सपोर्ट कम हुई है, लेकिन फिर भी हमारा डॉलर स्टेबल है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरे नंबर पर आप देखिए, दुनिया में लोग जाते हैं, कंट्रियाँ जाती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आप देखिए इंडिया है, भारत है, वो भी बहुत सारी कंट्रियाँ जो है ना वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो गिरवी रखवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें खरीद लेंगे। अगर कोई ज़राअत में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो सारी चीज़ खरीद लेगा। तो चीज़ें ऐसी नहीं होती, अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अगर आ रही है तो ये अच्छी बात है, ये खुशाइन बात है। और इसका मतलब, हाँ पहले अगर आप कह सकते हैं जो हम कर्ज़ा ले रहे थे उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ ज़मानत तो देनी होती है, उसको आप गिरवी कह लें, उसको आप जो कह लें, हमने बिल्कुल वो गिरवी रखे हुए हैं उन कर्ज़ों के अगेंस्ट में। लेकिन इन्वेस्टमेंट और चीज़ होती है और कर्ज़ा और चीज़ होती है। अगर दूसरी कंट्रीज़ में अब उसकी शरायत क्या है ये तो गवर्नमेंट्स को ही पता होती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट ही होती है, उसके बदले में कुछ हमें गिरवी रखना नहीं पड़ता। वो इंसान आता है और अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, अगर तो उसका कारोबार अच्छा चले तो उसे प्रॉफिट होती है, और अगर अच्छा ना चले तो फिर उसे नुकसान होता है, और फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट उठाकर चला जाता है या फिर वो अपनी संपत्ति बेच लेता है। तो उससे कंट्री को कोई नुकसान नहीं होता। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे भी जो है ना हम ज़मीन अपनी जो है ना गिरवी रख रहे हैं। बिल्कुल जी, इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए, हर कंट्री में जाना चाहिए, अपना अतमाद जो है ना वो बहाल करना चाहिए, तो दुनिया हमारे ऊपर इंटरेस्ट करे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए। बहुत सारे मौके हैं पाकिस्तान में, अगर यहाँ पे साजगार माहौल जो है वो प्रोवाइड किया जाए तो यहाँ पे एक जो है अतमाद की फ़िज़ा जो है वो बहाल की जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है ना वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो बिल्कुल जी, अगर ये कोशिशें की जा रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। और हाँ, ये चीज़ मेजर साहब की है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है या ये जो हम कर्ज़े लेते हैं उसका समर जो है ना वो पाकिस्तान को
मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि 70 सालों से हमें वही सारी चीज़ें हैं, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी अपनी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही। अगर आई होप सो कि ये जो गल्फ़ कंट्रियाँ हैं या जो हमारे दोस्त ममालिक हैं ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हो सकता है कोई मेड इन पाकिस्तान जो चीज़ें हम जो है ना वो संभल करने में जो है ना कामयाब हो जाएँ और हम अपनी चीज़ें बनाने और अपनी चीज़ें उगाने में। अब देखें, हम ज़राई मुल्क हैं लेकिन हम उसके बावजूद भी हमें बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, मसाले हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। तो उसके लिए अगर वो इकदाम कर रहे हैं तो भी बिल्कुल ये करने चाहिए कि हमें अपनी ज़राअत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी पर एकड़ जो है पैदावार है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल जी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जिस कंट्री का 70% जो है ना निर्भर ज़राअत पर ही हो, तो उस शोबे की तरक्की के लिए, वहाँ की बेहतरी के लिए इकदाम करने चाहिए। और ये इकदाम अगर किए जा रहे हैं, चले नाम ने आदि सही मेजर साहब की नज़र में, लेकिन किए तो जा रहे हैं, तो अगर इकदाम किए जा रहे हैं तो आने वाले वक्त में उसका समर भी मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। अब चीज़ें यही हैं कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए, अगर वो कोशिश करता है तो उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। अब उसकी नीयत क्या है ये तो वो जानता है या अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। बिल्कुल जी, हुक्मरान हैं, इसी काम के लिए उनको रखा जाता है, यही उनकी ड्यूटी होती है कि उन्होंने अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी आसानियां पैदा करने के लिए उनको रखा गया है, ताकि वो ऐसे इकदाम करें जिससे उनकी ज़िंदगियों में आसानियां पैदा हों। तो बिल्कुल अगर ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं तो ये उनकी ड्यूटी है, उनको करनी चाहिए, और उनके पास एक्सपीरियंस भी है, और अगर उसका वो फ़ायदा उठाते हैं और दुनिया पाकिस्तानियों को उसका समर देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ के ऊपर उनको अप्रिशिएट ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल जी, अप्रिशिएट होना चाहिए और ये अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए पाकिस्तान में, और धीरे धीरे से ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।